एंड वेलकम टू अवर चैनल एस वी जे फूड। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आलू टिक्की बर्गर की रेसिपी। तो बेसिकली हम आपके साथ इस वीडियो में आलू टिक्की को बिल्कुल परफेक्टली बनाने का तरीका शेयर करेंगे, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी एंड एट द सेम टाइम ये हैवी भी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि आप हमारी लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आलू टिक्की बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले तो हम आलू टिक्की बना लेंगे। तो आलू टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ 5 से 6 आलू उबाल लिए हैं। अब हम उन्हें एक बोल में डालकर मैश कर लेंगे। अभी हमें इन्हें ज़्यादा मैश नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा फोड़ लेना है। तो देखिए, बस इतना ही मैश करना है हमें। अब हम इसमें एक मीडियम साइज का फाइनली चॉप्ड प्याज, थोड़ा फाइनली चॉप्ड शिमला मिर्च, 3 से 4 फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, 1/2 लेमन जूस, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1.5 कप चावल का आटा। चावल का आटा हमें सारा एक ही बार में नहीं डालना, इसे पहले आप 1 कप जितना डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सिंपली चावलों को पीस कर ही उनका आटा बना सकते हैं। चावल के आटे से ये बहुत ही क्रिस्पी और लाइट बनती है। आलू का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। मोस्टली इसमें लोग ब्रेड क्रम्स या डायरेक्ट ब्रेड का यूज़ करते हैं, लेकिन उसे ये बहुत हैवी हो जाती है और बस ब्रेड का ही टेस्ट आता है, आलू का नहीं आता। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें बचा हुआ चावल का आटा डालकर फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनका आटा सा लगा लेंगे। तो ये देखिए, आलू का मिक्सचर तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम हरी चटनी बना लेते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए हमने एक जार में थोड़ा पुदीना, 4 ग्रीन चिलीज, थोड़ा हरा धनिया, 1/2 नींबू का रस और स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इन्हें पीस लिया है। तो ये देखिए, हरी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर चटनी सही से ना पिसे तो आप उसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लें। चटनी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। आलू ने काफ़ी देर रेस्ट कर लिया है, अब हम इसकी टिक्की बना लेंगे। तो टिक्की बनाने के लिए थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लें और इन्हें आटे की लोई जैसे बनाते हैं ना, वैसे ही इनका भी लोई सी बना लें। उसके बाद इन्हें थोड़ा प्रेस करते हुए टिक्की के शेप में बना लें। साइड से भी थोड़ा प्रेस करते हुए इसको हम बिल्कुल परफेक्ट टिक्की के शेप में बना लेंगे। ऐसे ही हम एक एक करके सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। जब हमारी सारी टिक्की बनकर तैयार हो जाए तब हम एक पैन में थोड़ा ऑयल ऐड करके उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। टिक्की को हमें शैलो फ्राई करना है तो ज़्यादा ऑयल ना डालें, बस इतना ही डालें जिससे टिक्की इसमें 1/2 डूब जाए। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम एक एक करके सारी टिक्की मीडियम फ्लेम में शैलो फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में फ्राई करने से टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनती है और चावल का आटा भी अच्छे से पक जाता है। हमें इनको बीच बीच में पलटना बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 मिनट में ही ये नीचे से थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, बस उसी स्टेज पे हम इसे बिल्कुल स्लोली पलट लेंगे। तो ये देखिए, ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इन्हें एक एक करके बिल्कुल ध्यान से पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी पका लेंगे, जब तक कि ये दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और हाँ, ध्यान रखें, फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। 1-2 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन इससे टिक्की बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो ये टिक्की दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारी टिक्कियाँ बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम बर्गर बंस भी टोस्ट कर लेते हैं।
उसके लिए हमने बर्गर बंस को इक्वल हाफ में कट कर लिया है। अब हम उसके दोनों साइड्स में अच्छे से बटर लगा के उन्हें थोड़ा टोस्ट कर लेंगे। टोस्ट करने से बर्गर बंस थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे बर्गर बंस टोस्ट हो चुके हैं। अब हम करते हैं आलू टिक्की बर्गर को असेंबल। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम बर्गर बंस के दोनों पार्ट ले लेंगे। अब हम सबसे पहले तो लगाएंगे इसमें हरी चटनी। हरी चटनी आपके बर्गर को बिल्कुल स्पाइसी टेस्ट देगा, तो आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्प्रेड कर लें। अब हम इसमें मेयोनेज लगाएंगे। मेयोनेज बहुत किसी को पसंद नहीं होती, तो वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। या हमने मेयोनेज भी दोनों पार्ट में स्प्रेड कर लिया है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बने। अब हम इसमें टोमेटो केचप लगा लेंगे। अब हम इसमें कुछ राउंड राउंड कटे हुए खीरे के स्लाइसेस रख लेंगे, कुछ राउंड राउंड कटे हुए टमाटर रख लेंगे, और वो जो हमने आलू टिक्की बनाई थी ना वो भी रख लेंगे। दूसरे वाले पार्ट में हम राउंड राउंड कटे हुए प्याज रख लेंगे और राउंड राउंड कटे हुए शिमला मिर्च रख कर इन्हें असेंबल कर लेंगे। थोड़ा हाथों से इसे प्रेस करके सही से सेट कर लें। तो बस हमारी आलू टिक्की बर्गर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। थैंक यू।